दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद क्रांतिकारी मशीनों की जानकारी लेकर, जिनकी कार्य करने की शैली अलग तो है ही, साथ ही साथ वह काम को काफी कम समय में भी निपटा देती हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। वॉप्स्ड वेस्ट स्ट्रिपर। कागज से बने गत्ते, कवर या फिर अन्य उत्पादों को अंतिम रूप देने से पहले उनको फिनिशिंग दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार का फालतू कागज बाहर ना निकले। तो ऐसे में उसी फिनिशिंग को देने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बेहद तेज गति से काम करती हुई यह मशीन पलक झपकते ही कागज के बड़े से बड़े बंडल से फालतू निकले कागज को अलग कर दी जाती है। स्पीडिटी। किसने सोचा था कि भविष्य में कुछ इस प्रकार की मशीन का भी आविष्कार हो सकता है। पहली नजर में बेहद अटपटी सी दिखने वाली यह मशीन दरअसल कपड़ों को फोल्ड करने का काम करती है। प्रयोग में लाने के लिए जैसे ही कारीगर एक टी शर्ट को इस मशीन के ऊपर फैला कर रखता है तो इस मशीन में लगी अनेकों छोटी एवं बड़ी भुजाएं उसे पलटते हुए महज कुछ ही सेकंड्स में फोल्ड कर देती हैं। इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल दरअसल कपड़ा उद्योग से जुड़े कारखानों में कपड़े तैयार हो जाने के बाद उन्हें पैक करने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन के द्वारा फोल्ड करने का काम काफी तीव्र गति से किया जाता है। कीन यूनिक रोबोट। अक्सर कई देशों में कई अनेकों अलग अलग प्रकार के जूतों का निर्माण किया जाता है। उन्हीं में धागों के द्वारा बनाए गए जूतों को भी लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है, लेकिन मोटे धागों से बने जूतों को तैयार करना काफी ज्यादा समय लेने वाला काम होता है। तो उसी काम को संभव बनाते हैं यह दो रोबोट मानो किसी मोची की तरह जूतों पर धागों को बड़ी ही तेज गति से बुनते हुए चले जाते हैं। यह दोनों रोबोट आपस में सामंजस्य बिठाते हुए बिना कोई चूक किए बगैर निरंतर धागों का प्रयोग करते हुए जूते पर बुनते रहते हैं। निसिन सीएनसी 3D। अक्सर कई प्रकार के निर्माण कार्यों में लोहे के पाइप को मोड़ने की आवश्यकता पड़ती है और उसी काम को बड़ी ही फिनिशिंग और सटीकता से करने का काम करती है यह मशीन। जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं कि यह मशीन किस प्रकार इस पतले धातु के पाइप को मशीन के अगले सिरे से अनेकों तरह से मोड़ते हुए बाहर निकाल रही है। यहां यह मशीन पाइप को इस तरह मोड़ते हुए इस बात को दर्शा रही है कि अगर पाइप को अनेकों जटिल आकारों और कोणों में मोड़ना हो तो यह मशीन उस काम को करने में काफी माहिर है। अक्सर इस प्रकार के जटिल घुमावदार मुड़े हुए पाइप का इस्तेमाल अनेकों प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जाता है। यह मशीन केवल गोल पाइप ही मोड़ने का काम नहीं करती, बल्कि इसके द्वारा आप चकोर पाइप को भी अनेकों कोणों और घुमावदार मोड़ों वाला रूप देने का काम इस मशीन से करवा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पाइप को अगर पारंपरिक तरीके से इसी प्रकार के जटिल कोणों और आकारों में मोड़ना हो तो वह कितना अधिक समय ले सकता है, मगर यह कमाल की मशीन उसी काम को महज कुछ ही सेकंड में करने में संभव है। अल्ट्लास पीवीसी एक्सट्रूजन। पहली नजर में यह समझ पाना काफी मुश्किल होता है कि आखिर यह मशीन किस चीज का निर्माण कर रही है। दरअसल यहाँ इस शक्तिशाली सीएनसी मशीन के द्वारा पीवीसी पदार्थ के नर्म रूप से उसे कई प्रकार की मशीनी प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए एक निश्चित आकार में ठोस रूप देने का काम किया जा रहा है। पीवीसी का इस्तेमाल अक्सर कई प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जाता है। लोहे की अपेक्षा पीवीसी को आकार देना काफी सरल होता है, तो यहाँ ऐसी जटिल मशीन के द्वारा जैसे ही पीवीसी के नर्म रूप को इस मशीन में डाला जाता है तो मशीन इस पीवीसी के ऊपर अनेकों क्रियाएं करती है, जिसके फलस्वरूप इस मशीन के दूसरी तरफ से पीवीसी का ठोस रूप एक निश्चित आकार में निकलकर बाहर आ जाता है। पीवीसी को निश्चित आकार देने के लिए इस सीएनसी मशीन के अंदर पहले से ही निर्धारित आकार को सेट कर दिया जाता है, जिसके बाद बेहद सटीक आकार में पीवीसी के इस प्रकार के ढांचे बाहर निकल आते हैं। निर्माण कार्य में इस प्रकार के ढांचे का इस्तेमाल दरअसल खिड़कियों में लगने वाली चौखट में किया जाता है। यही नहीं, पीवीसी के इन ढांचे का इस्तेमाल और भी कई अन्य प्रकार के फैब्रिकेशन के काम में भी किया जाता है। बेंडर एसपी 1250। अक्सर कई प्रकार के निर्माण कार्यों या फिर घरों में प्रयोग में लाई जाने वाली लोहे की जालियों को कुछ इस प्रकार की मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले धातु की विशाल पतली चादर को मशीन के मुख्य भाग में डाल दिया जाता है।
जिसके बाद यह मशीन काफी तीव्र गति से काम करते हुए इस विशाल धातु की चादर को जाली के रूप में बदल देती है। इस मशीन के अंदर काफी शक्तिशाली तेज धारदार नॉब लगे होते हैं, जो कि इस विशाल धातु की चादर को बड़ी ही फिनिशिंग और तेज गति से काटते हुए जाली बनाने का काम करते हैं। इस मशीन की एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह धातु से जाली बनाने के दौरान बिल्कुल भी धातु को वेस्ट नहीं करती, जिसके कारण इस धातु का 100% इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस मशीन के द्वारा बनाई गई यह जालियां बेहद मजबूत होती हैं और जिन्हें आवश्यकता अनुसार लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कार्टन स्ट्रिपर वाईएस 480। बिजली से चलने वाली यह मशीन दरअसल पहली मशीन की तरह ही कागज के गत्तों, कवर और अन्य उत्पादों को फिनिशिंग प्रदान करने का काम करती है। जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं कि यह मशीन किस प्रकार बेहद तेज रफ्तार से चलते हुए बड़े से बड़े कागज के बंडलों को बड़ी ही तीव्र गति से काटती चली जाती है और फालतू निकले कागजों को अलग कर देती है। यह मशीन काम करने में तो माहिर है ही, साथ ही साथ इसे काम करते हुए देखना भी काफी मनोरंजन भरा लगता है। जिस प्रकार यह मशीन कागज को काटती है, वह देखकर इस मशीन की कार्यशैली की कार्यक्षमता का भी पता चलता है। यह मशीन कार्य करने में कुशल तो है ही, साथ ही साथ कारीगर को भी इस मशीन के द्वारा बड़ी ही कुशलता से काम करना काफी आवश्यक होता है, क्योंकि एक हल्की सी चूक भी कागज के इस बड़े बंडल को पूरा खराब कर सकती है। मगर कारीगर इस प्रकार के कार्य को करने में काफी निपुण होते हैं और वे जानते हैं कि किस प्रकार बिना किसी नुकसान के कागज के इतने बड़े बंडल को फिनिशिंग दी जाती है। हैनेक यहाँ इस फैक्ट्री में दरअसल इस विशेष प्रकार के रसायन के माध्यम से सोफा, बेड, चेयर्स इत्यादि में इस्तेमाल होने वाले फॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि सबसे पहले इस पीले द्रव को इस मशीन के शुरुआती भाग में निरंतर उड़ेला जाता है, जिसके साथ साथ ही इस द्रव के ऊपर कागज की एक परत भी निरंतर बिछाई जाती रहती है। जब यह द्रव पूरी तरह से लोहे के बने प्लेटफॉर्म पर फैल जाता है और कागज की परत को उसके ऊपर बिछा लिया जाता है, तो उसके पश्चात इस मशीन में लगे धातु के बड़े बड़े सांचों को इसके ऊपर रख दिया जाता है और इसके कुछ और समय पश्चात कारीगर एक सफेद रंग के पदार्थ को इस कागज के ऊपर छिड़क देता है। कुछ समय इस द्रव को यूं ही बिछाए रखने के बाद यह द्रव रासायनिक क्रियाएं करता हुआ फूलने लगता है और अंत में बेहद मोटाई वाले फॉर्म का रूप ले लेता है। इस पूरी क्रिया के दौरान कर्मचारियों को मास्क पहनना काफी आवश्यक होता है, क्योंकि इस रासायनिक क्रिया के दौरान अनेकों विषैली गैसें निकलती हैं। जैसे ही फॉर्म का निर्माण कर लिया जाता है, तो इस मशीन के अंत में लगे एक धारदार ब्लेड से इस विशाल फॉर्म को काट लिया जाता है। इस मशीन के द्वारा सिर्फ पीले ही नहीं बल्कि हरे रंग के फॉर्म भी तैयार किए जा सकते हैं और
बाद में अनेकों रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं।